हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा मोस्ट आस्क क्वेश्चन कि तुम अपने बालों का ध्यान कैसे रखती हो, आई मीन तुम्हारे बाल इतने अच्छे क्यों हैं। अभी तो ये शायद 50% है, दो बच्चों के बाद आई मीन बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है, मेरा भी होता है। आई मीन मेरे अभी बहुत लंबे, कमर तक लंबे बाल थे विवान के होने के बाद। एंड ही व्हेन ये विवान जब 5 या 6 मंथ का था तो इतना सीवियर हेयर फॉल हो रहा था कि आई वाज लाइक कि मुझे अपने बाल कट करवाने हैं, बिकॉज लंबे बालों को ना झड़ता हुआ देखना बहुत ही पेनफुल होता है। सो आई वाज लाइक कि नहीं यार, मुझे हेयर कट करवाने हैं। और मैं हेयर कट सलोन गई और जब उसने मेरे बाल देखे तो शी वॉज लाइक डोंट कट योर हेयर, आई मीन क्यों कटवा रहे हो। उसको नहीं पता था ना कि कितने मेरे बाल झड़ रहे हैं बुरी तरह। सो इट्स हैपन, आई मीन आफ्टर प्रेगनेंसी हर किसी के झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते हैं, आपके भी झड़ते होंगे जो भी मदर्स होंगी, जो जिनके अभी हुआ है बेबी या साल भर पहले। तो ये एक पीरियड होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, बिकॉज हमारी बॉडी से बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशंस जाते हैं और यू नो लाइफ एग्जर्शन वाली हो जाती है आफ्टर बेबी, जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना आई मीन जो मुझे इफेक्ट करता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो शायद आपको इफेक्ट करे। और आपने वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे इसके लिए, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने मुझे बहुत इफेक्ट करता है। मैं नॉट इवन जब आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे जब भी बाल झड़ना शुरू होते हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ पर स्टिक रहती हूँ और मेरा इस पर पूरा भरोसा है। आई मीन ये मुझे कभी फेल नहीं करता है ये फॉर्मूला। I mean, I'm using this, याद भी नहीं कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ ये। जब मेरे बाल नहीं भी झड़ते हैं मैं तब भी ये यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध बाल भी झड़ गए मेरे, तो मुझे लगता है कि मैं ये लगाना शुरू कर देती हूँ। डैंड्रफ हो या कुछ भी हो, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। So yeah, so this is the magic. So it's not any magic. मैंने video clip इसमें add करी है, क्या क्या है इसमें। So इसमें basically है coconut oil and onion juice और curry leaves। इन सब का मैं juice बनाती हूँ और अपने बालों पर लगा लेती हूँ। And that's the magic. So, it's not a magic, but मैंने बहुत सारे लोगों का एक्चुअली सुना है कि लोग ट्राई करते हैं 10 दिन, महीना भर, 15 दिन, उसके बाद हमें तो इफेक्ट नहीं करा। बट यार मतलब मिरेकल नहीं हो सकता क्या? ये ना घरेलू नुस्खे हैं, इनको एक टाइम चाहिए। मैं इसको सालों से लगा रही हूँ तो ये मेरे जो झड़ जाते हैं बाल उसको रीग्रोथ करता है। सो आपके बाल झड़ेंगे बट ये क्या करेगा, ये आपके बालों को उगाएगा दोबारा। सो ये एक्सपेक्ट मत करें कि ये बाल झड़ना कम्प्लीटली बंद कर देगा, मतलब मैजिक हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये आपके बालों को दोबारा से रीग्रोथ करेगा, आपके बालों के टेक्सचर को मेंटेन करेगा, आई मीन शाइन मेंटेन करेगा। और बाल तो देखो इंटरनली हम क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, 90% बालों की ग्रोथ हमारे इनटेक पर डिपेंड करती है, 10% हमारी हेरिडिटी भी होती है कि हमारे पेरेंट्स के नहीं हैं या हमारे यू नो उनके पेरेंट्स के ऐसे बाल थे या जो भी है, तो उसकी वजह से भी डिपेंड करता है। बट 90% हमारे बाल हमारे बॉडी इनटेक में डिपेंड करता है कि हम अगर हेल्दी फूड लेते हैं, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। और दूसरा ये भी होता है, अगर आपकी हेरिडिटी में बाल बहुत अच्छे, आपके पेरेंट्स के बाल बहुत अच्छे हैं, तो आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। जो आज की बिजी लाइफ की मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, फर्स्ट थिंग आपको चाहिए होगा एक टाल जो यू नो आप अपने यहाँ पे कवर कर सके, ताकि जो जूस है बाकी बाकी कपड़ों पर ना गिरे। सो मैं एक टावल कर लेती हूँ। Oh.
और इस जूस को मैं सो मैंने बालों के दो सेक्शंस कर रखे हैं एंड मेरे पास एक्चुअली ये कॉटन के पैड्स हैं तो मैं इसी से अपने जो रूट्स हैं उस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड ये आप चाहें तो वीकली लगा सकते हैं या वीक में टू टाइम्स जैसे आपको टाइम हो. आई मीन इट्स डिपेंड ऑन योर टाइम. दो बार लगाती हूँ इसको टू टाइम्स एंड मैं बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं करती कि यार लगाया बस एक वीक के अंदर मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएं. नो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती इसे. पिटिया मेरे बाल ऑटोमेटिकली कब आ जाते हैं मुझे पता नहीं चलता. मैं इसको बहुत चेज नहीं करती हूँ कि 10 दिन लगाया 10 दिन में नहीं आ रहा है या 15 दिन लगाया 15 दिन में भी नहीं आ रहा है. सो इट टेक टाइम्स. आई मीन आपको कुछ भी रातों रात नहीं हो जाना है बालों का आपके. सो आप इसको लगा तो फर्स्ट मैं आपका फ्रंट साइड वाला पार्ट अच्छे से कवर करूँगी ताकि ये जूस जो है मेरे रूट्स तक पहुँच जाए. थोड़ा सा मैसी होता है बट दैट्स ओके. आई मीन अगर थोड़े से मैस से हमारे बाल अच्छे हो जाने हैं तो मैस अच्छा है ना. तो मैं अपने इस वाले पार्ट पे ज़्यादा टारगेट करती हूँ बिकॉज नॉर्मली सबके लेडीज़ के ज़्यादातर मुझे लगता है ऐसा कि इस एरिया से क्राउन एरिया से बाल ज़्यादा झड़ते हैं. तो मैं यहाँ पर कई बार उसको जब भी सूख जाता है लगाते लगाते तो मैं 2-3 बार यहाँ पे डैप करती हूँ ये जूस. और आपको रैंडमली लगा लेना है. मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपकी जड़ों में बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है. मैं कोई शिट मैन आपको वाइट करना है अपनी आंखों में ना जाए बिकॉज ये अनियन जूस है आपको बुरी तरह रुला सकता है. सो मेरे बाल बहुत लंबे नहीं है तो मुझे बहुत टाइम नहीं लगता इसको लगाने में. नाउ मैं अपने पूरे बालों को समेट के एक मैसी सा बन बना लूँगी ताकि यू नो बाल नीचे तक नहीं आए तो पूरा अनियन जूस सारे में नहीं स्प्रेड हो. पूरा जो जूस है मैंने अपने बालों पे लगा लिया है अच्छे से लगा लिया है. तो अभी आपको वेट करना है 2 या 3 घंटा और मैं नॉर्मली 4-5 घंटे भी रख लेती हूँ. अगर कभी बिजी हो गई या बच्चों में टाइम नहीं मिला तो फिर 4-5 घंटे भी रह जाता है. उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ. शैम्पू मैं नेक्स्ट डे यूज़ करती हूँ. अगर शैम्पू मैं लगाती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से भी सारा अच्छा पार्ट है अनियन का जो हमारे हेयर ग्रोथ पे प्रमोट करता है तो वो सारा निकाल के बाहर कर देता है ऐसा मुझे ऐसा लगता है. तो मैं बाद में शैम्पू करती हूँ नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ सेम डे शैम्पू नहीं करती हूँ. आप चाहे तो सेम डे शैम्पू कर लें डिपेंड ऑन यू. सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय हेयर्स. सो आप ज़रूर ट्राई करें ये बहुत इफ़ेक्टिव हुआ है. आई मीन अब मैं फिर से कहूँगी कि ये तुरंत काम नहीं करेगा बट ये धीरे धीरे काम करेगा और इसको अपनी
लाइफ में अडॉप्ट करना है. आई मीन इसको हमेशा आप लगाते रहें, मतलब वीक में एक बार तो ज़रूर कोशिश करें उसको लगाने की. अगर दो बार लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर आपके बाल झड़ते नहीं है तो बहुत अच्छा है. जिनके बाल झड़ते हैं तो उनको वीक में दो बार, एटलीस्ट दो बार लगाएं इसको, एंड 3-4 महीने बाद आपको फ़र्क दिखेगा थोड़ा बहुत. उसके बाद धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके बाल ग्रोथ हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाल आपके यू नो हेड से. सो या दिस इज द वीडियो. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें एंड कमेंट करें. एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अप्लाई किया और कैसा लगा आपको ये अप्लाई करने के बाद. सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.